मधुबनी जिला के बाबू बरही में बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं को देखते हुए सर्रा गांव निवासी समाज सेवी मनोज झा ने नाराजगी जताई है और साथ ही भटचौरा स्वास्थ्य केंद्र पर काफिला लेकर पहुंचे। उन्होंने भटचौरा स्वास्थ्य केंद्र की बेपटरी हुई स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर अभियान जारी किया और स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली पर सीएम नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया। हम लोग अभी हॉस्पिटल पे हैं, जिस हॉस्पिटल पे मीडिया वाले लोग आए हुए हैं वहाँ हम लोग को आना पड़ा है। हम लोग को सुविधा यहाँ न पानी है, न छत है, न यहाँ प्रसव का कोई व्यवस्था है, यानी कोई भी प्रकार से आने जाने का भी सुविधा नहीं है। हम लोग को हॉस्पिटल में रोड नहीं है, प्राइवेट रोड से हम लोग आ रहे हैं। हाँ, हॉस्पिटल में जो भी डॉक्टर आते हैं नहीं है कभी। एक महिला 6 साल घर से देख रहे हैं, क्योंकि एक तो महिला यहाँ बैठते हैं, डॉक्टर आते नहीं है। यहाँ लिखा गया है पोस्टर में प्रसव कराते हैं, ये कराते हैं, वो कराते हैं, यहाँ कोई चीज़ का सुविधा नहीं है। क्लियर कर दे, प्राइवेट हॉस्पिटल जो अच्छा है मैं उनके खिलाफ नहीं। दूसरी चीज, इन हॉस्पिटल्स के वजह से जो यहाँ पे कोई किसी तरह का सुविधा नहीं है, फर्जी डॉक्टर्स भी पैसा कमा ले रहे हैं और गलत जो है हॉस्पिटल गलत रजिस्ट्रेशन पे चल रहा है, जो बंद हो रहा है और फिर खुल जा रहा है। तो सिविल सर्जन ये बंद और खुल का काम बहुत लंबे टाइम से कर रहा है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जो भी इन्वेलिड अभी आपको चल रहा है, नर्सिंग होम है या हॉस्पिटल है, उसको तुरंत बंद किया जाए और इस हॉस्पिटल पे जो भी सरकारी सुविधाएं हैं उसको चालू किया जाए। यहाँ को जो सब प्रथम जो आने जाने का दिक्कत है, यहाँ अपना रास्ता नहीं है रोड से लेकर के यहाँ तक, उसके बाद चापा कल के व्यवस्था नहीं है, इसके बाद लेटरिंग बाथरूम हम लोग जो जाते हैं पैखाना करने के लिए बाद में जाते हैं, कहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। मकान जर्जर है, आप फोटो देख लीजिए, कर लीजिए, जर्जर है पूरा, जो है साफ निकलता रहता है। यहाँ को